नमस्कार मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण तेज़ रफ्तार से जारी है राम भक्तों की आस्था और आशाओं के अनुरूप ही मंदिर का एक एक कोना बनाया जा रहा है आपने अभी तक मंदिर के प्रथम तल गर्भगृह और बाकी तमाम हिस्सों के निर्माण की तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर खूब देखे होंगे लेकिन उन्हें देखकर आपको ये जरूर लगता होगा कि हम आखिर किस दिन अयोध्या के इस भव्य मंदिर में जाकर रामलला के दर्शन कर पाएंगे तो आपको जानकर खुशी होगी कि आपका इंतजार खत्म कराने वाली तारीख अब सामने आ गई है जी हाँ करोड़ों राम भक्तों की आस्था के प्रतीक रामलला के भव्य मंदिर के खुलने को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर इन दिनों विशेष तैयारियां चल रही हैं मंदिर निर्माण के पहले फेज का काम पूरा हो जाने के बाद अस्थाई मंदिर में विराजमान रामलला को उनके गर्भगृह में स्थापित कर दिया जाएगा प्राण प्रतिष्ठा समारोह 10 दिनों तक चलेगा इस समारोह को 15 से 24 जनवरी 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा 24-25 जनवरी से रामलला का दरबार सामान्य भक्तों के लिए खुल जाएगा रामलला इसके बाद अपने भव्य मंदिर के गर्भगृह से भक्तों को दर्शन देंगे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम मकर संक्रांति के मौके पर किया जाएगा 15 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की शुरुआत आधिकारिक रूप से हो जाएगी राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर टाइमलाइन पर बड़ी जानकारी साझा की उन्होंने बताया कि 24 जनवरी तक मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चलेगा इसके बाद फिर 24 से 25 जनवरी से श्रद्धालु नव निर्मित राम मंदिर में राम लला के दर्शन कर पाएंगे उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है पीएम मोदी ने ही 2020 में मंदिर का शिलान्यास भी किया था अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पीएम मोदी का दृढ़ संकल्प रहा है वो पहली बार उन्नीस में बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की अगुवाई में कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने के लिए जो तिरंगा यात्रा निकाली गई थी उसके संयोजक के रूप में अयोध्या आए थे तब रामलला एक टेंट में विराजमान हुआ करते थे उस वक्त उनके दर्शन करने के बाद पीएम मोदी ने कहा था कि वो अब राम मंदिर बनने पर ही अयोध्या आएंगे संकल्प अटल था और इरादे बुलंद लिहाजा 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पीएम मोदी 2020 में ही राम मंदिर शिलान्यास के कार्यक्रम में शामिल होने पहुँचे थे इसके बाद वो बीते साल अयोध्या के भव्य दीपोत्सव में भी शामिल हुए थे तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही रामलला के दर्शन की तारीख जानने के बाद आप उनके दर्शन के लिए कितना उत्सुक हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए दीजिए इजाज़त नमस्कार